करना फोन रखता हूँ, जरा मीडिया आया इंटरव्यू दे, मैं तो इधर ही हूँ प्रेस के साथ। ओके बाय। आप क्या सबको बैठा के इंटरव्यू करवाओगे जो लोग आएंगे? ओके, यही कहना चाहूंगा, बहुत खुश हैं, बहुत खुश है हमारे डायरेक्टर, बहुत नर्वस है। नर्वस तो बिल्कुल, ये नर्वस ये है, हम बिल्कुल नर्वस नहीं है सच में। हम बस देखिए, बहुत जरूरी चीज होती है। अभी मैंने मेरी सिस्टर से बात की, उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई तूने एक चीज स्टार्ट की और उसे खत्म कर दी है और वो रिलीज हो गई है सब जगह, तो हमें तुमसे दिखाई दे रहा है। सो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हम सब के लिए, ललित के लिए, मेरे डैड के लिए, मेरे लिए, टीजे के लिए, दैट वी स्टार्टेड समथिंग व्हाट वी लव्ड एंड वी हैव फिनिश्ड इट एंड इट हैज सीन द लाइट ऑफ द डे। नाइस, सेम, क्योंकि यही है। तो नहीं, कबूले में अच्छा लेवल दिया था, तो उस लेवल को थोड़ा सा एक ट्रांजिशन दिया है। इश्कबाज के पहले इन्होंने ये फिल्म स्टार्ट की थी, करेक्ट। हाँ, और जो रोमांस इन्होंने इस फिल्म में करवाया, और मैं दिन में इश्कबाज शूट करता था और रात को ये फिल्म शूट करता था। तो अभी इसका नया एंगल है रोमांस का इस फिल्म के अंदर, अभी देखिएगा थोड़ी देर में पता चल जाएगा। एक्सपीरियंस बहुत खूबसूरत रहा, बहुत सुपर था। मैं क्या कहूँ यार, ये एक तो एक्टर के बतौर आप सेट पे जाते हो एक्ट करके, थोड़े अपने टेंटर्स दिखा के चले जाते हो, ठीक है, इस फिल्म में एक्चुअली हाँ, केवी सही आदमी है बताने के लिए। ऐसा कुछ नहीं था, बिकॉज ये फिल्म में हमने हमारा खून पसीना पैसा सब कुछ लगाया हुआ है, एंड हमें बिकॉज हम बड़ी बड़ी फिल्मों के अगेंस्ट आ रहे, तो हमें भी एक ऐसा एक मुकाम, एक ऐसी स्टैंडिंग हमें करनी थी कि लोग ऐसे ना बोले कि अरे ये आए और ये चले गए। नहीं, वैसी बड़ी फिल्मों के साथ ये फिल्म भी हो और दोनों के साथ दोनों के बारे में बात करें, हमें ये एक हमारा यही बेसिकली गोल था, एंड विद गॉड्स ग्रेस वी हैव अचीव दैट। मैन भाई सोए नहीं हम लोग रातों से, ये मैं बताता हूँ। तो मतलब केवी शॉट करता था और मुझे हमेशा डर लगता था, पता नहीं क्या होगा, कहीं परफॉर्मेंस ना भूल जाए, डायलॉग ना भूल जाए। बीच में जाके मेकअप मैन आया कि नहीं आया चेक करता था, वैनिटी आया कि नहीं, यूनिट का खाना पहुंचा कि नहीं पहुंचा, एयरपोर्ट पे गाड़ी पहुंची कि नहीं पहुंची, ड्राइवर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, अच्छा रात के लिए सब लोग का खाने का इंतजाम हो गया कि नहीं हो गया। तो बींग एन एक्टर साथ साथ ये जो प्रोडक्शन जो केवी ने किया है, दैट वॉज आई थिंक टू टफ एंड हैट्स ऑफ टू हिम फॉर दैट। आई थिंक एवरी पार्ट ऑफ इट, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो कैंपेनिंग मार्केटिंग हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब दिस हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव लर्निंग एक्सपीरियंस और वेरी वैल्यूबल एक्सपीरियंस जो हमें आगे बहुत काम आएगा यार, अभी बहुत आ गया। टीवी और फिल्म में जो मैं डिफरेंस देखता हूँ एज अ डायरेक्टर, जब आप एक फिल्म राइट करने के लिए आते हो तो आप स्टेज पर होते हो, क्योंकि आपने वो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया है, आपने वो लोकेशन फाइनल की है, सब कुछ आपने किया। एंड टेलीविज़न देयर सर्टेन डिपार्टमेंट, जो कोई कॉस्ट्यूम देखेगा क्रिएटिव, कोई कुछ देखेगा, स्क्रिप्ट किसी और की होगी, अप्रूवल किसी और का, एडिट कोई और कर रहा होगा, ठीक है, म्यूजिक कोई और फाइनल करेगा, बट इन फिल्म यू डू एवरीथिंग। सो दैट्स अ मेजर डिफरेंस बिटवीन टेलीविज़न एंड द फिल्म, यू डोंट कम एट अ स्टेज व्हाइल यू आर शूटिंग अ टीवी शो। मतलब टीवी का ऐसा है कि वेडिंग प्लानर को दे दी, वो करे वो संभाले, मूवी का क्या है कि माँ बाप भाई बहन उन्हीं को सब कुछ करना पड़ता है, यू नो दे आर इन्वॉल्व फ्रॉम द स्टार्ट, न्योता देने से लेकर साड़ी, कपड़े, खाना पीना, कार्ड्स, एवरीथिंग यू हैव टू डू, एंड यू नो ये दिस इज़ अ लेबर ऑफ आवर लव, और हमने वो सब कुछ किया है जो शादी में करते हैं एक्चुअली। सॉरी, भाई कॉम्प्लीमेंट हम ऐसे ही बयान नहीं करते, वो बस हमारे जहन में रखते, दिल में रखते और ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करते, थैंक यू सो मच। बट यही कहना चाहूँगा, इट हैज़ बीन वेरी वेरी वेल रिसीव्ड, पॉपुलैरिटी वाइज भी और क्रिटिक वाइज भी। अरे अनुपम जी की फिल्म भी इतनी अच्छी करे, हमारी फिल्म भी इतनी अच्छी करे, अनुपम जी इज़ अ वेरी वेरी आई रिस्पेक्ट, आई लव हिम टू मच, ओके, एंड I feel all movies should do well. Yeah.
सबसे डिफिकल्ट रहा है पिक्चर को रिलीज करना सच में, बिकॉज हमने सोचा कि ठीक है हम स्टूडियोज में देंगे या किसी डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे. इट्स नॉट ईजी टू क्रैक डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज वो एक बिजनेस है, वो एक फिल्म का एक आप फिल्म बना लेते हो, दैट्स ईजी पार्ट आई थिंक यही रहा टू मार्केट एंड टू सेल द मूवी. देन मैंने पापा को बोला यार पापा आपका इतना बढ़िया मतलब बरसों से आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप है, व्हाई डोंट यू डू दिस. तो ही सेड रियली आई थिंक यू नो वो जैसे हनुमान कैसे होता है ना, हनुमान को रियलाइज करना पड़ता है कि उसकी पावर क्या है, तो पापा को भी रियलाइज कराना पड़ा कि आपकी पावर ही है. एंड दैट्स व्हेन ही कॉल्ड ऑल द पीपल ऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स अक्रॉस इंडिया एंड एवरीबॉडी वाज एक्साइटेड कि यार करते हैं, बेटे की पिक्चर है लड़के की पिक्चर है चलो करते हैं. एंड विद गॉड्स ग्रेस हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्टअप हो गया. उसके लिए हम आ गए हैं ना भाई, डोंट वरी, वी लर्नड इट द हार्ड वे एंड वी विल हेल्प यू गाइस. बस अब यहाँ से सीख ले, अब अगली बहुत तुरंत अनाउंस करने वाले हैं. हमने एक ट्विस्ट छोड़ा है इस फिल्म के एंड में, तो शायद उसी ट्विस्ट से हम स्टार्ट करें हमारा दूसरा वाला. वेब शो क्या, स्पाइडरमैन रिलीज हो रही है तो वेब शो क्या करना, स्पाइडरमैन को करो. देखते हैं यार, स्टोरी अट्रैक्टिव होगी आपको अच्छी लगेगी तो आप करोगे, डिपेंड्स ऑन द स्टोरी फर्स्ट. तो चीज़ें बहुत सारी चल रही है, बहुत कुछ हो रहा है, तो अभी तो प्रायोरिटी यही था कि फिल्म रिलीज़ हो जाए और उसका क्या रिस्पांस आता है, वो कैसा वर्क करता है, तो इसी में सब लोग बिजी थे. तो अब इसके बाद फ्री होऊंगा तो, और मैं तो काफ़ी टाइम से कंटिन्यू शूटिंग ही कर रहा हूँ इतने सालों से, तो थोड़ा एक ब्रेक भी चाहूँगा एक महीने का. Yes. के बारे में अभी तो अभी देखी नहीं है, जैसे ही देखने जाऊंगा कुछ कहूंगा, बट जो पोस्टर है जो ट्रेलर है वो देख के काफी अच्छे लग रहे हैं. एंड सीम्स लाइक अ इंटेंस पैशनेट लव स्टोरी विद अ थ्रिलर ट्विस्ट, राइट. एंड ललित मोहन ललित सर ने डायरेक्ट किया मूवी, एंड जो हमारा पहला शो था सुब्रीन ने वो भी उन्होंने ही डायरेक्ट किया था, एंड वो इंडस्ट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर है, तो उनकी फर्स्ट मूवी है. एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड. एंड करण हैज बीन इन इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, उनकी पहली लॉन्च है फिल्म है, राइट. एंड ललित सर की फिल्म है, सो वी एंड प्रिया, हां प्रिया, प्रिया मेरी दोस्त है, हां प्रिया की. सॉरी, एक्टिंग तो सबके लिए एक्साइटेड है बिकॉज सारे ही अच्छे एक्टर्स हैं, समीर कोचर हैं, करणवीर है, प्रिया है, एक अच्छा पैकेज है, एक अच्छी मूवी है, सो लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट. एंड बाकी सबको भी ये कहना चाहेंगे हमारे फ्रेंड्स की मूवी है, जाओ प्लीज़ देखो जाकर. yes, अभी बहुत इनिशियल है उसके बारे में, अभी अभी तो शो डेवलप हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें,
तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी बहुत इनिशियल स्टेज है अगर मैं कुछ भी शेयर करूँ, सही बताऊँ मुझे भी कुछ ज़्यादा नहीं पता, तो थोड़ा टाइम रुक जाइए, फिर उसके बाद सारी बात करेंगे। कलर या कलर्स के साथ है जी जी, या इनको बैठे बैठे यहाँ पे अभी प्रीमियर में जानकारी मिल गई। आज अपनी बात नहीं करता हूँ, आज अपनी फिल्म की बात करेंगे, हमें तुमसे प्यार है कितना। राइट राइट राइट, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है जो मैंने अभी तक किया नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बाकी नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। अच्छा लगता है जब टीवी फ्रेटर्निटी से व्हेन यू नो पीपल आर स्टेपिंग इन बॉलीवुड, आई गेस इट्स वेरी गुड फॉर अस एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई नो केवी, सो बेसिकली केवी और माय नेबर्स थे, सो दैट्स हाउ आई नो केवी एंड ही इज अ वेरी 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 डियर फ्रेंड ऑफ माइंड, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म। बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ललित सर हैज़ डायरेक्टेड दिस, सो ही इज़ ऑल्सो वेरी वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइंड, इश्कबाज़ के डायरेक्टर थे वो एंड आई नो हिम सिंस ईयर्स, सो बहुत ही अच्छा लगा एंड स्पेशली द टाइटल हमें तुमसे प्यार कितना, वो सॉन्ग कितना फेमस है, एवरीबडी नोज दिस, सो या आई एम श्योर द मूवी विल बी बैक। बहुत ही अच्छी बात है, आई गेस इट्स वेरी गुड दैट टी वी इज़ ग्रोइंग, आजकल मुझे लगता है कि टी वी वालों की ज़्यादा फैन फॉलोइंग हो गई है, बट आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू। क्या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज दोस्त है करमवीर और हमने साथ काफ़ी काम किया हुआ है और उसकी फिल्म रिलीज़ हो रही है, पहली फिल्म हमें तुमसे प्यार कितना। मैंने तो अभी तक गाने ही सुने, पिक्चर अभी ये मैंने नहीं किया है। हाँ एक तो हाँ ओके वेल वेरी एक्साइटेड बिकॉज करमवीर दोस्त है और बहुत मेहनत की है उसने इस फिल्म पे, जब भी आई एम श्योर उसकी पहली है तो उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी एंड एज फ्रेंड्स वी शुड ऑल सपोर्ट हिम, दैट्स व्हाई आई एम हियर टू सपोर्ट हिम एंड मैं चाहता हूँ कि फिल्म अच्छा करे एंड यू नो वट एवर इट डज एट द बॉक्स ऑफिस इट रियली शुड डू वेल, फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर हिम। हैविंग सेड दैट आई रियली लव द सॉन्ग्स फ्रॉम द फिल्म, बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं, श्रेया घोषाल जी ने गाए हैं, सोनू निगम जी ने, लाइक यू नो एवरी वन इज बीन सपोर्टिंग द फिल्म ऑल्सो और वो जो हमें तुमसे प्यार कितना
जो बचपन से सुनते आ रहे हैं, और उसका जो रीमेक रीमिक्स वर्जन है जो इस फिल्म में है वो भी बहुत कमाल का है. एंड आई जस्ट आई एम वेटिंग टू सी द फिल्म एंड देन गिव माय ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट इट. आई थिंक हर एक्टर फिल्म करना चाहता है बिकॉज द कैनवस इज़ वेरी बिग, और जो छोटे पर्दे पे जो दिखता है उसका जो, और जो बड़े पर्दे पे दिखता है उसका जो मज़ा है वो अलग अलग है. आई थिंक इंक्लूडिंग मी वी ऑल वॉन्ट टू बी देयर ऑन द बिग स्क्रीन एंड गेट द राइट अपॉर्चुनिटी. सभी उसी में लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, उस हिसाब से काम कर रहे होते हैं. एंड इट्स जस्ट अबाउट डूइंग द राइट फिल्म. आई थिंक दिस इज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाई हिज फैमिली ओनली, सो ऑल द बेस्ट टू हिम. एंड इट्स नॉट ईजी टू मेक पीपल कम टू द थिएटर्स एंड वॉच द फिल्म. सो आई जस्ट विश दैट दिस हैपन्स फॉर दिस फिल्म हमें तुमसे प्यार कितना. एंड यू नो करण्स फिल्म करियर जस्ट गोज ऑन अ रोल. आई थिंक आई एम एन एक्टर. ये यूजली हम पीपल फ्रॉम द मीडिया फ्रॉम द फ्रटर्निटी जो सालों से चलता आ रहा है कि टी वी एक्टर फिल्म एक्टर, ये वो जो डिफरेंशिएशन है आई थिंक वो अब ख़त्म हो जाना चाहिए. आई थिंक एन एक्टर इज़ एन एक्टर. तभी तो टी वी एक्टर्स भी फिल्म कर रहे हैं, तो वो तो एक्टिंग ही कर रहे हैं. बस यू नीड अ गुड डायरेक्टर एंड इफ यू आर डूइंग टी वी देन यू आर टर्म्ड एज अ टी वी एक्टर, बट आई थिंक यू ऑल शुड ऑल्सो स्टार्ट कॉलिंग दैम एक्टर्स नाउ एंड नॉट डिफरेंशिएट. I'd like to do a romantic comedy agar if I have to do a film. Aur romantic comedy mein maza aayega mujhe lagta hai, hasane mein logo ko bada maza aata hai aur romance logo ko pasand bhi aata hai. It never dies, so I think I would love to do that kind of a film. Having said that, as an actor I want to obviously try different roles, so jaise jaise cheeze hoti rahengi waise waise karte rahenge. मुझे एज अ कॉमन मैन बजट से ज़्यादा आई एक्सपेक्ट कि रोड्स ठीक से बन जाए. बस आई जस्ट वॉन्ट कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक से बन जाए. यू नो अभी जो बारिश हुई है उसमें इतने लोगों की जाने गई हैं एंड इट्स रियली सैड. और अभी मलाड सबवे में दो लोगों की गाड़ी फंस गई और यू नो देव लॉस देयर लाइव्स एंड द रोड्स वर सो बैड. वो टी वी पर ही दिख रहा था कि कितना ख़राब है. आई मीन बहुत आसानी से बन जाते हैं अच्छे रोड, अगर एक्सप्रेस वे पे बन सकते हैं तो बॉम्बे में क्यों नहीं बन सकते. कोई रीज़न नहीं है यार. अभी जब रोज़ शूटिंग करते हो तो रोज़ ही प्रोडक्ट लगता है बालों में, एंड टू अवॉइड द प्रोडक्ट आई वेयर अ कैप, और बिकॉज स्टाइलिंग फिर नहीं करनी पड़ती आपको. दैट्स द ओनली रीज़न ऑनेस्टली. धूप तो निकली नहीं है तो दिस इज़ द रीज़न वाई आई एम वेयरिंग अ कैप. Thanks. I can't hear you. I'm excited for my friend KV. He's come out with a film, and every time a fellow friend of ours does a film, it's a big achievement. So I wish him and the team all the very best. May it do very, very well. I think whatever said and done, I'm going to see the film and then I'm going to give my review. So you can ask me after that. But it looks nice. I love the poster. It's very well made. All right. Thank you, guys. Visuals. Okay. Who? Happy Kapil Akshay here. Okay.
मैं मूवी को लेके बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत नर्वस हूँ. आई डोंट नो, लेट्स सी. अब सब कुछ जो होना था हो चुका है, प्रमोशन कर चुके हैं, शूटिंग हो चुकी है. नाउ लेट्स सी हाउ द पब्लिक टेक्स इट, फिंगर्स क्रॉस्ड. बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा है, बिकॉज जब मूवी की शुरुआत हुई थी शूटिंग, आई वाज You gotta see this, she's made this specially for us. Look at that. Oh, how cute is that? So nice. Itni choti thi hamari bhanji kahenge niece, and she actually drew that, man. She's such a fantastic sketcher. So proud of you. You look intense. I look like an alien. I look like an alien, but you look beautiful. Chadu. No, continue. Thank you so much. All right. बस बहुत वही नर्वस हूँ, देखते हैं अभी पब्लिक कैसे लेती है, दैट्स द मेन थिंग. सो या किसके बारे में? बहुत अभी जो बहुत अच्छा लगा मुझे, आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल, खुद पेंटिंग की है उन्होंने, सो इट्स वेरी नाइस. आई एम फॉन्ड ऑफ दैट स्टफ, बट थैंक्स. लुक वाइज डिफरेंट बहुत है. मैं ऑथर हूँ, मैं एक्चुअल रियल लाइफ में ऑथर नहीं हूँ, बट बहुत ही सीरियस क्लासी टाइप का कैरेक्टर है जो टीचर है एक्चुअली, और जो ध्रुव है वो उनकी स्टूडेंट है, तो टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, बट एज यू वॉच द मूवी यू रियलाइज इट. आई डोंट नो, आई होप एवरीबडी डज वेल. तीन मूवीज रिलीज हो रही है, मलाल, वन डे, दिस. बहुत लोग हैं, बहुत पॉपुलेशन है, सारी मूवीज जाके देखो, तीन दिन है वीकेंड का, गो वॉच एवरीथिंग. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा. ही इज वेरी नाइस टू वर्क विद, वेरी कोऑपरेटिव एज एन एक्टर, एज अ को एक्टर, एंड आई हैव इट्स ही इज प्रैक्टिकली बिकम फैमिली, सो इट्स बिन ग्रेट, इट्स बिन अ ग्रेट जर्नी. कॉम्प्लीमेंट इस फिल्म के बारे में, अभी तो देखने वाले हैं सब, होपफुली कॉम. ट्रेलर के और सॉन्ग्स के बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले, एवरीबडी इज लव्ड इट एंड आई एम ग्लैड. गाने बहुत ही अच्छे हैं, श्रेया घोषाल, सोनू निगम, जुबिन नौटियाल, टोनी कक्कर, नेहा कक्कर, सब ने गाने गाए हमारे फिल्म में, एंड आई थिंक एवरीबडी इज लव्ड द सॉन्ग्स, सो आई एम ग्रेट. थैंक यू. थैंक यू सो मच. मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ. पहला एल्बम था मेरा और दीपक का, दोनों का टुगेदर, एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है सबका, और आई एम सो थैंकफुल. थैंक यू सो मच. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड टू जो मैंने ट्रेलर देखा है हमने, वो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द पिक्चर. इवन दो मैंने सॉन्ग्स जितने भी सॉन्ग है, लाइक हमें तुमसे प्यार कितना अच्छा, अमेजिंग सॉन्ग, आवाज़ श्रेया घोषाल की अमेजिंग, केवी, आई एम श्योर ही किल्ड इट, तो आई एम सो सो एक्साइटेड टू वॉच द मूवी. अभी जाके पता चलेगा. और ट्रेलर धमाकेदार लगा, बहुत ज़्यादा यू नो थ्रिलर सस्पेंस सब दिख रहा है इसके अंदर, और आई एम सो एक्साइटेड टू सी बनर्जी एंड के वी एक साथ, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो अमेजिंग. सॉरी, एज इफ नाउ ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली ऑफर आया है एक दो, लेकिन उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा हमें, तो कुछ अच्छा आएगा तो डेफिनेटली. कुछ बेस्ट प्रोजेक्ट मिलता है जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, तो वी विल वर्क फॉर इट फॉर श्योर. एक्चुअली मैं ये बोलना चाहूँगी,
क्योंकि वो उनकी अपनी सबकी अपने लाइफ जीने का एक तरीका होता है, एक अपना स्टाइल होता है, उनको उनकी सोच अलग होती है. सो उनकी सोच के हिसाब से अगर उनको लगा कि जब वो इंडस्ट्री में आई थी तो उनको वो लगा था कि अच्छा है उनके लिए. अब इनको उनको एक चॉइस लिया है उन्होंने कि उनको नहीं करना है. सो इट्स कम्प्लीटली हर चॉइस, आना भी जाना भी उनका पर्सनल चॉइस है. तो सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है. जैसे हमारी पर्सनल चॉइस थी, हम किसी और इंडस्ट्री में थे, अब हम इधर आए, तो और रही बात इस्लाम को फॉलो करना, तो हम नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं और साथ में अपना करियर भी परस्यू कर रहे हैं. या इट्स वेरी नाइस. Sure, I'm also very excited for your new show. You're looking very, very pretty and definitely you will rock it. Thank you so much. Yeah. एक्चुअली साथ में काम कर चुके किसी भी गर्ल का मजाक बनाना अच्छी बात नहीं होती है, पर उनका इंटेंशन वैसा नहीं था. और रही बात जसलीन की, तो उन्होंने भी बहुत कुछ बहुत बोल रखा है अपशब्द. तो आई थिंक जसलीन जो दीपक ने किया वो चीज़, उसके लिए उसने माफ़ी मांगी. एंड आई मस्ट टेल, मैंने खुद दीपक से बोला था, बात हुई थी हमारी, तो मुझे लगता है कि वो उस चीज़ के लिए सॉरी फील कर रहे थे. दीपक खुद सॉरी फील कर, पर मुझे लगता है कि एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, जसलीन ने बहुत ही अपशब्द निकाले थे जब मैं घर के अंदर थी और वो घर के बाहर थी. वो मेरे कैरेक्टर पे, मेरी फैमिली, मेरे फैंस, बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ. सो पहले उनको माफ़ी मांगनी चाहिए. बींग अ गर्ल, अगर उनको ये चीज़ बुरी लगी कि एक लड़की होकर उनको ये चीज़ बोला गया, बट मैं भी एक लड़की हूँ, मैं घर के अंदर थे, बिग बॉस के घर के अंदर, खुद को डिफेंड भी नहीं कर सकती थी और उन्हें काफ़ी वाहियात बातें बोली. तो आई रियली होप जसलीन पहले आप उससे माफ़ी मांगिए और तब आप दूसरों से माफ़ी की उम्मीद करिए. बिग बॉस एक घर के अंदर होती है, पर वो इवेक्शन के बाद बाहर आ रही थी. व्हेन शी इवेक्टेड, सो मैंने उनको, हाँ मैंने उनको तभी जाते वक्त एक हक दिया और प्यार से बाय बोला और कहा, जो होता है वो घर के अंदर होता है, पर घर के आने के बाद इतना गंद निकालना, आई एम सो सॉरी जसलीन, आपको ज़रूर माफ़ी मांगनी चाहिए. और आई थिंक अभी यू नो बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पे. हम केवी की मूवी देखने आए, तो हम कुछ उसके बारे में बात करते हैं. और हाँ, रियली अब हमको भी बिग बॉस से आगे बढ़ना चाहिए. बहुत नए प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं हम, सो उसके बारे में सोचना बोलना चाहेंगे. जो बीत गया वो कल है. बिग बॉस ख़त्म हो चुका है, कुछ नया अभी बिग बॉस 13 आ रहा है, उनसे उसकी तैयारी करिए. अनूप जी, सलमान खान के, मैं सलमान खान के लिए गई जाना चाहूँगी. होने के शो के अंदर तो उसके उनके अलावा किसके साथ किसी, हाँ ऑलवेज ऑल टाइम फेवरेट वन एंड ओनली सलमान सर. थैंक यू, गुड लक टू केवी. थैंक यू, ये मूवी बहुत अच्छी होगी, बहुत हिट होगी. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच. भाई हमें मिन्नतें करनी पड़ी कि सदी जी आइए, लेकिन उन्हें एक एक फोन कॉल में बोला मैं आऊंगा तो ब्लेस करने के लिए. इट इज ऑलवेज यू नो a good thing, and I always feel for youngsters, you know, that person who is making his debut, he has proved himself on you know, television, that what kind of an actor he is, what kind of family he belongs to. There family ki baat kare to papa aa gaye. Are dekho Mandir ji bhi aa gaye. How are you? Kya chal raha hai? Mera dost hamara famous wala. How are you? So we know the matlab Bura family, we know that they are the one of the biggest families film industries has, you know, they have been doing movie business since how long years, you know.
सो उनका ग्रैंड सन, मतलब समझो कि एक बेटा ऐसा जिसने टेलीविज़न को पूरा धमाल मचा रखा है और ऐसे ऐसे रोल्स किए हैं, और अब फिल्म में पहली बार ही इज़ कमिंग, यू नो, एंड आई हैव सीन द ट्रेलर एंड आई थिंक ही हैज़ गॉट अ पर्सनैलिटी, ही हैज़ गॉट समथिंग इनसाइड दैट ही इज़ डूइंग समथिंग वेरी अनयूजुअल. एक ऐसा कोई रोमांटिक रोल कर रहा है बट विद ए पैशन एंड विद ए ग्रिट, यू नो, देयर इज़ अ डार्क कैरेक्टर, इट लुक्स लाइक ए डार्क कैरेक्टर बट ही इज़ सो कम्फर्टेबल इन डूइंग दैट एंड शूट्स हिज पर्सनैलिटी. So I wish him all the luck that this film doesn't have. The kind of publicity the picture is having is very good. He is known by people. He is not a novice. He is not a unknown person. He public knows him, you know, because of his television experience, the kind of roles he has done on television. So I'm very, very sure that this film is going to make a mark for him, you know, and his performance and the film will do very well because it looks like a very dramatic film, shot very well. You know, and music is very good. So, my dear, welcome to movies and best of luck. And Gora ji, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद कि ऐसा अच्छा बेटा, इतना अच्छा एक्टर, you know. और जो मतलब हम तो बोरा फैमिलीज को, हम तो जब फिल्में देखा करते थे ना जो शुरू में, हम तो तब से जानते हैं, मतलब उसके बाद फेमस में बहुत मिलते हैं, फेमस में बहुत मिलते हैं कपूर के, ठीक है ना. नहीं रियली आई थिंक मेरा सौभाग्य है कि सतीश जी जैसे इतने दिग्गज कलाकार ही सेइंग सच थिंग्स, सच नाइस थिंग्स अबाउट मी. आई एम रियली, आई एम वेरी हम्बल्ड एंड वेरी गुड डायरेक्टर, डायरेक्टर, एक्टर, ह्यूमन बीइंग, मोर इंपोर्टेंटली ह्यूमन बीइंग, मोर इंपोर्टेंटली. अदरवाइज रियली सतीश जी, यू नो व्हाट, एक बात पे ही यू जस्ट सेड यस आई एम कमिंग टू ब्लेस यू, फॉर मी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. नो नो माय फ्रेंड ऑफ माइन, एक्चुअली कोई कभी ना कोई कोने जरिया बन जाता है मेरा, मेरा बहुत डियर फ्रेंड है मेरा, लाइक ए ब्रदर शांतनु धर, यू नो, शांतनु टोल्ड मी दैट यू नो करण वॉज टू स्पीक टू यू एंड ही स्पोक टू मी, सेड नो बेटा मैं पक्का आ रहा हूँ, देर इज नो इशू दैट आई विल नॉट कम, यू नो, आई विल कम टू ब्लेस यू एंड विश यू. और टुडे आज मेरे बारे में नहीं, आज इसका दिन है, आज द डे बिलोंग्स टू हिम, द डे बिलोंग्स टू हिज फादर, हिज फैमिली एंड द फिल्म, यू नो, सो बिकॉज इट न्यू you know career leaf, you can say that, but very soon I will be directed by but you. I want to thank my friend Shantanu Dhar who told me that Karan wants to contact, look, he has come, he is here, the handsome man, so that's my भैया आज मैंने कहा ना आज तो करण का दिन है यार, आज तो हमें तुमसे प्यार कितना का दिन है. Of course, she's a great actor and it was great working with her, you know. बहुत ज़बरदस्त, और वो जो director हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं, प्रकाश जो है वो बहुत दिग्गज director के बेटे हैं के राघविंदर राव के, और जो उनकी wife हैं है ना कनिका ढिल्लन, she's a great writer. So I had a great time. शैलेश producer है, so it was quite comfortable with me and that was thing. But मैंने कहा ना कि आज दिन जो है हमें तुमसे प्यार कितना, ठीक है ना, कहाँ से वर्ड भैया, ब्लेस यू, ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच. अरे और कुछ नहीं भैया, और कुछ नहीं, हमें तुमसे प्यार कितना, हमें तुमसे प्यार कितना. थैंक यू सो मच सोनू पाजी, रियली रियली अप्रिशिएट. यू नो इंडस्ट्री में बहुत कम ऐसे दोस्त यार इनकरेजमेंट देने के लिए आते हैं, एंड सोनू पाजी वन ऑफ देम. एक फोन, नो नो सीरियसली, वन फोन कॉल, आई एम रियली हैप्पी, इनफैक्ट आई एम सो हैप्पी कि आई हैव सीन हिज ग्रोथ एज एन एक्टर, एज अ इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन बीइंग, यू नो, एंड ऑल द पीपल हु कम, यू नो, हु आर नॉट फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री एंड हु मेड रियली बिग, एंड आई थिंक योर नेम टॉप्स द लिस्ट मैन, एंड ऑल द बेस्ट, आई जस्ट विश यू ऑल द बेस्ट व्हाट एवर यू आर डूइंग, एंड It's I know it's a first step, I know, but miles to go, but the journey is on. Yeah, first step, be gentle. Yeah, be gentle, bhai log. Yeah. Ah, bhai log, please. Ah, zyada ekdam kya bolte hain, badtar hone ki zarurat nahi hai. Nahi, of course. You know, I think. No, no, it's I always believe that it's an effort that matters. Yeah, and I'm really impressed, and a big salute to you for being so courageous, and in this industry in today's time. Making your dreams come true, it's a huge achievement, yeah. So all the best to my brother, and I'm sure, you know, this film is going to rock, and he's going to make every one of us proud. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Hello.
देखिए बड़ा मुश्किल काम है, यू नो एज एन एक्टर जब आप जाते हैं तो आप अपना काम खत्म करते हैं और घर चले जाते हैं, बट वेन यूर ए प्रोड्यूसर, वेन यूर ए क्रिएटिव गाय, तो सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पर होती हैं। जब शूटिंग खत्म होती है उसके बाद आपकी दूसरी जर्नी शुरू होती है एज ए प्रोड्यूसर, लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सो इट्स अ ह्यूज चैलेंज जब एक एक्टर प्रोड्यूसर बनता है और क्रिएटिवली अपने ड्रीम्स को सच होते देखता है। सो आई थिंक इट्स एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एक्टर, एज ए को स्टार, एज मीडिया गाइज टू एनकरेज यू नो अ पर्सन हु इज taken the first step, and you know, so that this industry is a place where it's very tough to survive, but I think your support system will make many many more new dreams currents, come true yeah in the industry yeah mere the karan aayenge karan aayenge arjun bhi aayenge me well I think jab na a picture produce karte hain we learn how to respect a producer, how much you have to go through, kitna kuch manage karna padta hai. Honestly, we've not been the type to ever trouble a producer, and I think we got some of those good karams back. It's been a terrific journey, but not easy. Not easy. But really, Sunipa ji, I think we're all in one boat. Yeah, as an actor, you also now produced, you've gone to production, yeah. And really, it's not easy. You know, but I'm very happy. I think this day is very very important. When one day you see the dream, and now see it's a day when you actually see that dream coming true. So. My wishes all from the core of my heart. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. So, Mr. Raj, what are the expectations and budget? What are the expectations? Arre, Sonipa ji, bol dena 200 rupees budget mein se ye picture ke liye. I think we all really expect a lot of good times ahead. You know, I think India is really doing well in many fields. So, we all hope that, you know, budget should be, especially for the film industry, it should be very supportive, and you know, the way the entertainment industry has helped you know, the country reach various parts of the world, so it's very important to support and so that industry can flourish here. आज तो इस फिल्म की बात होनी चाहिए यार, हमारे भाई की पिक्चर है यार, हमारे हम उसके कल बात करेंगे उसके बारे में, मैं खुद ट्वीट करूंगा। थैंक यू सो मच बात हुई यार, ब्लेस यू मैन जी। योगेश लखानी जी लोडिंग देखेंगे नहीं? हां मैं कहना सर कैसे हो आप सर? आ जाओ भाई साहब, आपके साथ लेने वाले बढ़िया आदमी है यार, एकदम सारे होर्डिंग इनकी कोई मैं फोटो सोनू पाजी सोलो ship, I think unki pehli film hai, and he's also very nervous, but you know it's a simple love story, it's about all the various emotions. Music bahut acha hai, and it's got, you know, romance, love, obsession, and I think it's got something for everybody, so looking forward to it. Trailer mujhe bada acha laga, aur laga ki jo marketing team hai usne achhi soch ke sath ye trailer taiyar kiya hai. तो आई थिंक जो काम करना था फिल्म के लिए हो गया है, आज रिलीज़ का दिन है, तो फिर अब ये सोचना कि और क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, वो बातें अलग हैं, एंड द फिल्म इज़ आउट देयर फॉर द वर्ल्ड टू सी. तो मुझे लगता है कि कोई एडवाइस देने की किसी को ज़रूरत नहीं है, बस लोगों को फिल्म देखना चाहिए. ये बिल्कुल सही बात है, फिल्म बनाना एक दूसरी चीज़ है और फिल्म को रिलीज़ करना एक और बात है. तो आई थिंक इसका कोई समाधान बनना चाहिए, शायद और सिनेमा हॉल्स बनने चाहिए देश के अंदर जहाँ पर हर किस्म की फिल्म को मौका मिले.
पर छोटी हो या बड़ी, अगर फिल्म अच्छी है तो उसे लोग देखते हैं, तो मेरा यही मानना है. थैंक्स गाइस, थैंक यू. क्या करूं, कहां देखने का? आई कैन सी एनीथिंग अप देयर. हाँ जी, ये मूवी को लेके हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं. ये काफ़ी टाइम पहले इसने एक आइडिया बताया था करणवीर बोरा ने, और इनका शूट चला पिछले साल, और मैं तब से वेट कर रहा हूँ ये कब आएगा. हमें इंतज़ार कितना ये हम नहीं जानते वाला सीन हो गया था. और फाइनली द फिल्म इज कमिंग आउट. आई एम वेरी हैप्पी, वी बोथ वेरी हैप्पी. और ऑल द बेस्ट टू द एंटायर टीम. या हमारे पेरेंट्स अक्सर करणवीर को हमारा उनका तीसरा बेटा मानते हैं, और इस हिसाब से तो हम भी इस फिल्म के हीरो हुए. तो हम बहुत नर्वस फील कर रहे हैं. बहुत बढ़िया स्टोरी है. और करणवीर, आई थिंक करणवीर हैज रिटर्न टू हिज इमेज, टू हिज स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ, यू नो, बैड बॉय, बैड लवर बॉय. हाँ जी, देखिए एज ए प्रोड्यूसर खुद की आर्ट को एक प्लेटफॉर्म दिया है उन्होंने. एज ए प्रोड्यूसर हमेशा ही you have to back the projects that you believe in. Jis project ko aap believe karte hain, aap usko back karenge to aap producer kehlate hain. And I think this is a passion project. Aur ye role jo hai ye Karanveer ke liye bana hai, aur it's a perfect script that we all believe in. So great. Lekin ek problem hoti hai agar producer khud star ho aur ek din set pe late aaye to khud ko kaise daantega wo, main ye sochta hu. Kya Karanveer tune kya. बहुत सही है यार, ट्रेलर बहुत सही है. और एक स्टॉकर, ये आज के टाइम में ना ये स्टॉकिंग वगैरह इंटरनेट की वजह से काफ़ी आसान हो गया है, और इस सब्जेक्ट पे एक फिल्म बनना बहुत सही बात है. और करणवीर जैसा आर्टिस्ट जो व्हेन इज बैड ही इज सो गुड, यू नो, मेरे को लग रहा है कि मुझे फिल्म देख के थोड़ा डर लगेगा. ज़ायरा वसीम को जो करना है वो करें, उनको आज़ादी है. मुझे बड़ी खुशी है कि वो जो करना चाहती है वो कर रही हैं. लेकिन अगर वो ये सोचती है कि बाकी लोग जो बॉलीवुड में हैं वो गलत है, तो वो गलत है. क्योंकि अगर उन्हें जो वो करना चाहती है उनसे कोई नहीं रोक रहा, तो दूसरों को जज भी उन्हें नहीं करना चाहिए. एवरीबडी शुड डू वॉट दे वॉन्ट टू डू यार. ज़ायरा वसीम अगर रिलीजन के रास्ते पर चलना चाहती है बहुत अच्छा है, अगर वो फिल्मों में रहना चाहती है बहुत अच्छा है. एक दुनिया को या दूसरी दुनिया को बुरा कहना बुरी बात है. मुझे, हमें कश्मीर के बारे में पता नहीं है, हम क्वालिफाइड नहीं है इसके बारे में कमेंट करने के लिए यहाँ पर. मैं इतना बोलूँगा कि जो आप कह रहे हैं कि मुस्लिम रेडिकलाइज होते हैं या मुस्लिम गर्ल्स रेडिकलाइज होती हैं, वो गलत है. रेडिकलाइजेशन हर मज़हब में होता है और हर प्रांत में होता है. ठीक है, थैंक यू. डन, थैंक यू. ओके, गो अहेड. मैं सर की फेवरेट स्टूडेंट हूँ. ललित सर ने मुझे मेरे पहले शो में, दूसरे शो में, दोनों शो में डायरेक्ट किया है. एंड आई नो दैट ही इज़ अ विजनरी. वो विजनरी हैं, और जो मूवी उन्होंने बनाई है, और वो, यू नो, ही इज़ लाइक ही सो इनटू द फिल्म सिंस इयर्स, द इंसेप्शन, द एंटायर थिंग.
and today it's all coming together. Yes. Are you emotional? Nervous. Please. And we know the songs are amazing. पहली बार उन्होंने मेरे से टाइटल ट्रैक जब शेयर किया था एंड इट बिकेम माय फेवरेट एंड एक्चुअली वो टेलर आने से एक साल पहले मैंने उसको सुनाया था सेट पे और तब से एवरी मॉर्निंग शी टू गेट अप एंड शी टू लिसन दैट यस और मैं अपने मलाड से पवाई से लेके मलाड के सेट तक यही गाना सुनती थी एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म बिकॉज ऑफ कोर्स ललित सर ऑफ कोर्स केवी एंड आई एम आल्सो होपिंग टू मीट ऑल माय फ्रेंड्स हु हैव कम हियर एवरीबॉडी इज अराउंड My God, look! Oh my God! Two of my besties. Congratulations! Thank you. Now you both sit. No. मेरी तारीफों की बातें करो, बैठ जाओ. नहीं नहीं आप बैठो. हाँ मेरे ना. ऐसा कहा जा सकता है बिल्कुल क्योंकि मेरे लिए तो सब सितारे ही हैं. हमारे लिए सबसे बड़ा सितारा आज यही है और हमेशा ही है. ऐसा सितारा नहीं. क्या बात है यार, कैसे कर लेते हो यार? ये दोनों गाना गाना चाहेंगे. इन्होंने मुझे फोन पे भी बोला था कि जब हम आएंगे तो गाना गाएं. हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी तुम्हारे बिना हमें तुमसे प्यार कोई मतलब किसी ने ताली नहीं मिली. ताली नहीं मिली. थैंक यू. अब चला जाए. हाँ आज कुछ नहीं. आई एम एक्साइटेड डॉक्टर ईशानी. कैसा लगा आप लोगों को लुक? आप लोग बताओ मुझे कैसा लगा आप लोगों को लुक? बिकॉज सच्ची 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 ISH ANI डबल ए वाला नहीं है. मैंने सिद्धार्थ सर को भी बोला है, अपने प्रोड्यूसर को, अच्छे नंबर पे आता है. देर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस नर्वसनेस. कुछ भी स्ट्रेस नहीं है. शी इज अ रॉक स्टार. शी इज ऑलवेज एंटरटेन्ड अस सो मच. हाउ नाइस. कोई स्ट्रेस कैसे हो सकता है? टेल मी. नो नो, आई एम अ लिटिल स्ट्रेस बिकॉज इतना बड़ा ब्रांड है, सबने अपने बचपन में देखा है एंड विद द न्यू कास्ट एंड एवरीथिंग टुगेदर. मोनीश सर हैं, गुरदीप जी हैं, शांतिनी, रोहित सर इज फन, मेरे ऑपोजिट नमित हैं. आई थिंक द कास्ट इज स्टेलर. Amazing, Rashmi hai. So it's an amazing cast, yes. आप जब सेट आएंगे ना तो आप मुझे बताइएगा कैसा है. बहुत बड़ा सेट है, बहुत खूबसूरत सेट है और वो सच्ची में हॉस्पिटल लगता है. तो मुझे ऐसा लगता है मैं रोज़ हॉस्पिटल जा रही हूँ. बट ऑफकोर्स इट्स अ ब्यूटिफुल सेट और बहुत अच्छा माहौल है. नाउ लेट्स स्टार्ट वॉचिंग द फिल्म. चलो. थैंक यू. मैं अपने शो के बारे में ना ही बात कर फिल्म के बारे में बात करते थे शो के बारे में होगी बात तो आई है. बहुत सारा प्यार है सब लोग के लगा है. एलएम एलएम मैम आप भी बैठिए ना. दे वांट टू विश ना. ओके सॉरी. राजन सर आइए ना. आप दोनों बैठ जाओ. खड़े ऐसे कैसे होगा? तो हम कोने में बैठ जाएंगे ना. सर इधर वो स्टैंड है, वो हो रहा है सही. और राजन सर गुरु है और मेरी इंस्पिरेशन है. जब मैं मुंबई आया और मैंने काम स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैंने सर के साथ काम स्टार्ट किया और वहाँ से मैं असिस्टेंट से चीफ एडी से एसोसिएट से सेकेंडरी डायरेक्टर देन डायरेक्टर एंड देन अपना इंडिपेंडेंट काम स्टार्ट किया. करियर ये स्पीलबर्ग है इंडिया के. एक खुशी इस बात की है कि ललित ने आई थिंक 15 साल पहले जब असिस्ट करना शुरू करा था जैसी कोई नहीं है, वहाँ से ललित ने जो मेहनत करी है, जैसे कहा एसोसिएट बने,
फिर डायरेक्टर बने, विदाई में उन्होंने डायरेक्ट किया, और एक थी मेरे जितने भी असिस्टेंट्स हैं मुझे शुरू से पता था ललित इज वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती है, उसने बहुत नाम कमाया है, बहुत अच्छे शोज करे हैं, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम. और आई थिंक डायरेक्टर्स का प्रोडक्शन की सारी टीम आई हुई है सब है बिकॉज पूरा डायरेक्शन आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम, बहुत नाम कमाया है, और हमारी सारी टीम में ये पहला बंदा है जिसने फिल्म डायरेक्ट करी है. सो विशिंग हिम करण एवरीबॉडी ऑल द वेरी बेस्ट. गॉड ब्लेस. अच्छा डीकेपी से पहले मैं कुछ एक बात बताना चाहूँगा डाले. ओके बहुत अच्छा लगा, इसीलिए एक्साइटेड टू वॉच द फिल्म, एंड विशिंग द इंटायर टीम द वेरी बेस्ट. जैसे रिशा कहलात इतने सालों से चल रहा है और बहुत पॉपुलर है वैसे ये फिल्म चले, एंड विश हिम ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच सर. सेम फिंगर क्रॉस. मैं एक बात बताना चाह रहा था, आज यहाँ पे जो सबसे बड़ी टीम है वो डीकेपी की टीम है, मेरे जो भी क्लोज फ्रेंड्स हैं और जितने भी कलीग्स हैं, और वो टीम डीकेपी से नहीं है, वो टीम जब राजन जी सर डायरेक्ट करते थे तब से उनके साथ में है, और हम सबको लेके आगे बढ़े, फिर उन्होंने डीकेपी बनाया, हम सबको आगे बढ़ाया, एंड टुडे एवरीबॉडी इज टुगेदर अंडर वन रूफ. कांग्रेट्स. थैंक यू सर. सर दो पिक्चर इधर हमारी. ट्रेलर मैंने आप लोगों ने जब देखा उससे काफ़ी पहले देख लिया था, सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि फिल्म कब रिलीज होगी, एंड टुडे इज़ द डे. आई विश ऑल द लक टू द होल टीम, एंड मैं स्पेशली ऐसा एक शो कर रही हूँ जो रिलेटेड है इस फिल्म से, मतलब इट इज़ ऑन द डार्कर साइड, सो आई वुड लव टू वॉच दिस फिल्म, और आप सभी को भी बहुत मज़ा आएगा फॉर पीपल हु लव द थ्रिल. पहले आप चल रहे थे. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर सुरभि, मतलब ऑफकोर्स ये भी मुझे पता था कि होने वाला है, एंड आई कांट वेट टू सी हर शो बिकॉज मैं संजीवनी की फ़ैन रह चुकी हूँ, ग्रेस एनाटॉमी की फ़ैन रह चुकी हूँ, सो एंड आई एम श्योर शी विल डू प्योर जस्टिस टू द रोल. एक्चुअली मैं और जैन साथ में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, हम लोग अलग अलग परफॉर्म कर रहे हैं, एंड वही मैं कह सकती हूँ किसके साथ कर रहे हैं वो मैं नहीं बता रही. इट्स एक्चुअली ग्रेट, दिस टाइम नजबली हैज अ लॉट ऑफ सरप्राइजेज, सलमान खान इज वन ऑफ इट. तो या नहीं भाई कुछ नहीं देखने वाला अभी, चुप रहो तुम, मिटवाओगे सबके सामने. देखो अभी फिलहाल तो आई हैव अचीव्ड द रिवेंज जिसकी वजह से मैं घर में थी, सो आई हैव अ डिफरेंट आइडेंटिटी, तो भाभी देवर वाला कोई इक्वेशन हमारा था नहीं, जब मेरा पति नहीं था तो और कोई रिश्ता तो मायने ही नहीं रखता मेरे लिए. सो या कभी अगर फ्यूचर में वैसा हो तो आई एम श्योर ऑडियंसेस विल लाइक इट, बट हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आप लोग डरते. ओह माय गॉड आई कांट यार, श्रेया घोषाल इज संग द सॉन्ग एंड इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स, तो मुझे थोड़ा सा प्रेशराइज फील होता है, बट आई विल सिंग दिस फॉर ललित सर एंड द टीम फॉर हमें तुमसे प्यार कितना. Please go ahead. How much excitement today for having such a gathering? Look at that.
मैंने मूवी का ट्रेलर्स वगैरह ज़्यादा देखे नहीं है, पोस्ट किया है सॉरी, बट अफकोर्स आई वॉन्ट टू सी दिस फिल्म कैसी है. फ्रेंड है मूवी में तो जस्ट कम टू सपोर्ट हिम एंड फिंगर्स क्रॉस. आई होप फिल्म शुड डू गुड. ट्रेलर वॉज नाइस, नॉट बैड, इट वॉज प्रॉमिसिंग. अब देखते हैं मूवी कैसी है, आई एम श्योर अच्छी होगी. Yeah, how do you know that? You know so much about me. Yeah, actually, मैं मेरे शूट से आ रही हूँ. मार्जो मार्जो एक छोटी सी ब्रांड है, लंडन ब्रांड, जिसको आई ब्रॉट इन इंडिया एंड उसका फ़ोटोशूट होते रहता है. तो आज एक और फ़ोटोशूट था उसका एंड आई वॉज अ पार्ट ऑफ इट. यूजली आई एम वर्किंग बिहाइंड द कैमरा, आई एम डायरेक्टिंग द एड्स, आई एम डायरेक्टिंग द गैग्स ऑफ मार्जो, बट टुडे आई वॉज द मॉडल ऑल्सो. सो इट वॉज गुड. सुबह 11 बजे की शिफ्ट थी हमारी एंड अभी पैकअप हुआ तो वहाँ से मैं किसी तरह से भागते हुए यहाँ पर आई हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू मिस दिस एंड वेरी टायर्ड. यार 20th September प्रस्थम इज कमिंग आउट. सो ऑडियंस तभी मुझे वापस देखेगी बिग स्क्रीन पे एंड आफ्टर दैट डेफिनेटली बहुत सारे और वेब सीरीज, फिल्म, टीवी बहुत जगह. थैंक यू सो मच. फिर खींचेगा कोई ना कोई, नहीं नहीं अभी आपको जरूर खींचोगे. हाँ पूछो. Please come and watch the film. भाई फिल्म स्टार्ट हो गई है, ये बस ये प्रॉब्लम है. क्या है ये? कन्हैया की तरह बैठे हुए हैं गोपियों के बीच. ये देखो दोस्तों, ये देखिए अंकल आंटी. किसने देखा जो खुद अपने आप जाके
लोगों को, गेस्ट को बोलता है प्लीज आके पीछे, लोग बिजी है इंटरव्यू देने में, क्या करूं मैं इंटरव्यू देने, चल 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 बॉय लेट्स गो एंड वॉच द पॉडकास्ट, कम ऑन बहुत सारा, तो आप दोनों कंटिन्यू कर दो, हो गया अभी डन, थैंक यू सो मच, विजुअल उधर और उधर गो 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 है द टी वी आई स्टार्टेड माई करियर विद ललित सर एंड ही स्टॉप्ड मी हाउ टू फेस द कैमरा सो आई एम हियर टू सपोर्ट विश देम ऑल द बेस्ट एंड आई एम श्योर इट्स गोना बी अ ग्रेट फिल्म एंड टी वी से फिल्म का एक जर्नी है उनका तो वी ऑल एज द को एक्टर एज फ्रेंड वी आर हियर टू सपोर्ट देम हाँ Of course, we all are excited. That's why here we are here to support them, and it's a full power movie. And Karan is known for his powerful performance. So I'm here to watch ki film mein kaisa performance aata hai. Because 3 hours ki film and 3 years ka show, bahut difference hota hai wo acting medium mein. So let's see how it's come up. I'm also going to watch it for the first time. Yeah, I met all the girls last night because it was Mansi's music album debut and today we all are meeting because it's Lalit sir's movie debut. So yeah, it's a great thing, yaar. All our friends are doing well, so we are here to wish them luck and support them and I wish everybody all the best. मेरे विजुअल्स चाहिए आपको मुझे ट्रेलर इसलिए भी अच्छा लगा क्योंकि उसमें ऑब्वियसली केवी है और आई एम ऑल्सो वॉन्टिंग टू मीट द हीरोइन शी इज वेरी प्रिटी लगेगी करण सबकी लगती है प्रोड्यूसर बनना आसान नहीं होता तो मज़ा आएगा आई होप दैट ही मेक्स मनी एंड मेक्स मोर फिल्म एंड मोर क्रिएटिव वर्क जो उसे एक्साइट करे लाइफ में बिकॉज दैट्स वॉट वी ऑल लिव फॉर बहुत डिफ़िकल्ट होता है दैट्स वन ऑफ द रीजन्स वाई आई डू नॉट फेस द कैमरा इन स्टफ दैट आई प्रोड्यूस बिकॉज प्रोड्यूसर्स का बहुत डिफरेंट मार्जिन होता है बहुत डिफरेंट तरीके से काम करना होता है उनकी गाइडलाइंस बहुत सेपरेट होती है बट इफ़ यू आर योर सेल्फ ऑन द प्रोजेक्ट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट सलमान सर अरे वो तो टेलीविजन कब से टेलीविजन कर रहे हैं वो कब से बिग बॉस होस्ट कर रहे हैं सो टेलीविज़न का पार्ट होना केवल प्रोड्यूस होना ही नहीं होता है आप किसी भी माध्यम से जब उसके पार्ट होते हो तो यू आर पार्ट टेलीविज़न इज़ पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ टुडे हो गया मैं जाऊँ ऑफ कोर्स इट इज़ यार बहुत रिस्क इसलिए होता है बिकॉज यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग यू आर पुटिंग ऑल योर सर्विसेज ऑल्सो राइट देयर and your time and I think time is the most important thing for everyone else also plus putting your own money onto it so I feel that but again agar aap apni kahani khud nahi sunaoge to koi aur kyun sunayega you have to have faith on yourself in what you will really believe in and that makes ha to hum soch rahe hain aise kya karenge na film city jayenge aur pizzas ko na aise utha utha ke andar fek diya karenge तो जिससे पहले कि कोई आकर ढूंढ भी पाए था तो लोग हाउस में खा लेंगे क्योंकि हमें बड़ा मन करता था ऐसे पिज़्ज़ास वीज़ास आ जाए तो इसके अलावा अनुप सर ने एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर हमें वापस जाना हो तो कैटरीना कैफ के साथ में जाना कौन बोल रहे हैं
यार मैं तो जानता नहीं हूँ ना उनको पर्सनली, तो वो उनका जो मन करेगा वो बोल सकते हैं। हाँ मैं उनसे मिला नहीं हूँ पर्सनली, तो अगर उनका मन करे वो किसी के साथ भी जा सकते हैं। मुझे सुरभि के साथ जाना है पर वो सुरभि वहाँ खड़ी रहती है और मेरे पास आती नहीं है बिल्कुल भी। देखो दैट्स शी इज़ राइट देयर, मूवी हैज स्टार्टेड एंड आई हैव टू गो एंड शी विल ईट माय हेड। मुझे पता ही नहीं है, मैं बहुत जसलीन ने केस किया दीपक ठाकुर पे, क्यों जसलीन ने केस किया है दीपक ठाकुर पे? नहीं मैं पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, जसलीन ने अपेरेंटली केस किया है दीपक ठाकुर पे। अरे यार जसलीन यार वो बिग बॉस, बिग बॉस पे, बिग बॉस में। हाँ तो पता था, मैं अपने काम में बिजी हूँ, मुझे पता नहीं था कि कुछ केस हुआ। आई लव यू गाइज, बाय। भाई मूवी का पोस्टर ही ऐसा है कि रोमांटिक टाइटल है और थ्रिलर पिक्चर है, तो कुछ अलग है और आजकल अलग ही चल रहा है भाई, तो ऑडियंस पहले कंफ्यूज होनी चाहिए फिर आगे देखना चाहिए थिएटर में कि हो क्या रहा है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट सेटअप बिकॉज मनोज बोरा की लुक भी जो है शाहरुख खान वाली और पिक्चर भी थ्रिलर डर के जैसी है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, वेरी एक्साइटेड बिकॉज समथिंग विच इज़ थ्रिलिंग इज़ ऑलवेज एक्साइट्स मी। और ये शुरू से ही बहुत, हम उसको एक्चुअली कॉलेज के फ्रेंड्स हैं और कॉलेज से ये एकदम बहुत ही ज़्यादा पैशनेट और बहुत ही फोकस्ड लड़का था, एंड हमें वी ऑलवेज न्यू दैट ये जो भी करेगा कुछ कुछ अलग चीज़ निकल के आएगी, क्योंकि इसका पैशन और बहुत बहुत ही क्रेजीनेस से करता है। सो हम एक टाइम थोड़े टाइम पहले मिले थे जब ये फिल्म की शुरुआत होने वाली थी टी सीरीज़ के ऑफिस में, और हमें पता था कि अब ये घुस गया तो फिल्म ज़रूर बनाएगा। सो वी वेरी हैप्पी कि फिल्म आज की डेट में फिल्म बना तो बहुत लोग देखते हैं, थिएटर तक पहुंचाना मुश्किल होता है, बन भी गई थिएटर में आ भी गई, सो वेरी हैप्पी फॉर हिम एंड वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिम। भाई म्यूज़िक अगर अच्छा बनेगा तो सराहाया जाएगा, एंड हमारी बेस्ट विशेज हैं मीत ब्रदर्स एज म्यूजिशियंस कि सब इंडस्ट्री को अच्छा म्यूज़िक बनाना चाहिए, और वी विल वॉन्ट कि भाई चार्ट्स में जाएगा ना। बहुत अच्छा म्यूज़िक है इस फिल्म का भी और बहुत अच्छा लग रहा है सबको, सो I'm sure it's going to be big hit. Purana wala. Hame tumse pyar kitna ye hum nahi jante, magar jee nahi sakte tumhare bina. Oh, hame tumse pyar kitna. One of my favorite songs. तो किशोर दा की याद दिला दी तुमने। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ट्रेलर बहुत अच्छा लगा एंड पोस्टर भी बहुत अच्छा लगा, बहुत वी आर वेरी इंट्रीग्ड कि सस्पेंस है थ्रिलर है क्या है, थ्रिलर है समथिंग इन द मूवी एंड वी वेटिंग एक्चुअली टू सी कि एंड में होगा क्या, क्लाइमैक्स क्या होगा, क्योंकि ट्रेलर देख के कहीं पे थोड़ा बहुत गेस तो हो जाता है, देयर इज रोमांस, देयर इज ड्रामा, देयर इज एक्शन, बट एक्चुअली मिस्ट्री क्या है वो देखने में बहुत इंटरेस्ट है। आई थिंक आजकल धीरे धीरे स्टोरी लाइन्स चेंज हो रही हैं, दे आर ट्राइंग न्यू सब्जेक्ट समथिंग और द अदर, ये भी कुछ नया लग रहा है, पुट इन द मूवी सो दैट मूवी ही डिफरेंट लगे। हाँ हाँ, सो ऐसे ही कुछ इस मूवी में भी है शायद, हो सकता है, इज इट अ मर्डर, आई थिंक कुछ तो हो सकता है, सस्पेंस थ्रिलर, थ्रिलर विदाउट अ मर्डर तो नहीं होता है, तो देयर कैन बी अ मर्डर ऑल्सो और देयर कैन बी समथिंग एल्स, आई एम जस्ट गेसिंग, सो ऐसा कुछ तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंट है ही है। या
वेल लकीली एल्बम को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला. इन अ डे वी हैव क्रॉस्ड 100K. सो आई एम हैप्पी अबाउट इट कि टचवुड माई फर्स्ट म्यूजिक वीडियो और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला. ऑल माई फ्रेंड्स केम. तो कल की रात एक्चुअली रियली नाइस. सो प्लीज वॉच. तो कल की रात भी हैपनिंग थी और हम आज भी सर का बेसिकली वी आर हियर फॉर ललित सर एंड केवी. ललित सर वॉज आर इश्वास डायरेक्टर एंड वी आर हियर टू सपोर्ट एंड वॉच द मूवी. आई होप हो आफ्टर द मूवी. कल एक रियूनियन था थैंक्स टू मानसी. आज सब मिल रहे हैं. कल सब गर्ल्स मिले थे तो अच्छा है. सबको मिलके भी अच्छा लग रहा है. साथ में मूवी भी देखेंगे तो और मजा आएगा. या आई होप हो कुछ मूवी के बाद प्लान. किसी ने इतनी सुंदर शिपकली देखी है कभी? सो शी इज ब्रोकन ऑल द रिकॉर्ड्स. वही तो वो दिखाना चाहते हैं कि एक्चुअली कर लेते हैं. हाँ वही वो दिखाना चाहते हैं कि मैं कैसे स्कैरी लग सकती हूँ. तो मेरा स्कैरी अवतार दिखा रहे हैं दिव्य दृष्टि में. स्कैरी नहीं लग रही तो अच्छी लग रही है बहुत. नहीं बट दैट इज़ देयर मोटिव कि वो दिखाना वो चाहते हैं कि लोग डरे. मतलब एज अ कैरेक्टर लावण्या से लोग डरे. सो दैट इज़ वाई दे हैव मेड मी अ शेप शिफ्टर लिजर्ड. सो विच इज़ न्यू फॉर मी ऑल्सो. मैं भी फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ रोल कर रही हूँ. सो डेफिनेटली इट वॉज चैलेंजिंग फॉर मी. थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई बट देन एवरी डे आई फेस. पहली बार कुछ क्रोमा का शूट करते हैं ना. क्रोमा का और शेप शिफ्टर यू नो आधा कुछ और पहना होता है और आधे नीचे कपड़े कुछ और पहने होते हैं. सो इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस. इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी बट आई एम लविंग इट. अब तो शोज़ ही ऐसे बनते हैं आजकल. नागिन और कौन से हैं. नागिन नज़र दिव्य दृष्टि में कितना आपको पता नहीं है. हम लोग एक एक छोटे छोटे शॉट के लिए कभी कभी 4-5 घंटे स्ट्रेच हो जाता है बिकॉज वो इतना टेक्निकल शॉट होता है बिकॉज ऑफ फ्लाइंग और समथिंग एल्स. सो बहुत टाइम लगता है ऐसे शोज़ बनाने में. एंड थैंक यू टू ऑल द दिव्य दृष्टि व्यूअर्स कि आप सबको अच्छा लग रहा है जो भी हम सीन्स बना रहे हैं सीन्स कर रहे हैं. एंड थैंक यू फॉर लविंग दिव्य दृष्टि. हम पेशेंट्स हो गए डॉक्टर ईशानी को देख के. तो वो अभी आके हमारा ट्रीटमेंट करेंगी तब हम बताएंगे कैसा लग रहा है. संजीवनी अभी देखो ना अभी तक उससे पार्टी नहीं दी है. पार्टी नहीं है अभी तक पार्टी से. अभी भी वो कहीं उससे टाइम ही नहीं मिल रहा शूट से. अभी उसका अभी से इतना हेक्टिक हो गया शूट कि शी इज नॉट एबल टू यू नो गेट टाइम. सो अभी मिलेगी जैसे ही तो हम उसको पार्टी के लिए पकड़ लेंगे. थैंक यू. मैं साथ